रहे होते हैं, मैं मस्जिद में जाऊंगा तो फ़ायदा क्या है, ये इस बहाने से वो नमाज में नहीं आते। तो एक आलिम दीन के पास एक शख्स आता है और वो कहता है कि आज के बाद मैं मस्जिद में नहीं आऊँगा नमाज के लिए। कहा क्यों? इसलिए कि मस्जिद में लोग गीबत कर रहे होते हैं, अल्लाह के घर में भी वो तोहमत लगा रहे होते हैं, एक दूसरे का दिल दुखा रहे होते हैं, मस्जिद में गुस्सा कर रहे होते हैं, मस्जिद में मनमानी कर रहे होते हैं, मैं जाके क्या करूँ? कहा ठीक है, आना या ना आना तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं एक छोटा सा काम मैं तुम्हें देता हूँ, अगर उसे पूरा कर दो तो उसके बाद तुम खुद फैसला करो। कहा क्या है? कहा कि मैं एक गिलास में भरा हुआ पानी तुम्हें दूंगा, अपनी हथेली में रखो, मस्जिद के चार दीवारें जो हैं चारों तरफ से कोना चारों कोने चारों तरफ तुम चक्कर लगाओ, वापस दरमियान में जहां खड़ा हूं वहां आ जाओ, लेकिन याद रहे कि एक भी कतरा पानी का तुमसे गिरने ना पाए। अभी लोग वहां हैं, बैठे हुए हैं, सब हैं। तो उसने कहा ठीक है, इम्तिहान कर लेते हैं। अपने हाथ में उसने पानी लिया, बड़ी ही तवज्जो से कि पानी गिरने ना पाए, चारों कोनों को उसने पार किया, फिर वहीं आ गया जहां आलिम दीन खड़े हुए थे। तो उस वक्त कहा कि तुम्हारा पानी क्यों नहीं गिरा? कहा इस वजह से कि मेरी पूरी तवज्जो पानी पर थी। क्या तुमने इस दौरान लोगों की गीबतों को सुना? कहा नहीं, हमने गीबत नहीं सुना। लोग क्या कर रहे थे तुम्हें पता चला? कहा नहीं, मुझे पता नहीं चला। क्यों? इसलिए कि मेरी पूरी तवज्जो थी कि पानी गिरने ना पाए। कहा पूरी तवज्जो खुदा की तरफ कर दो, तुम्हें लोगों से क्या लेना देना ना। तो बहाना है, बहाना। बहुत मुतदय्यिन समझते हैं अपने आप को, हो उनसे बड़ा कोई दीनदार ही नहीं है ना। ये भी गलत है, छोटी छोटी बातों